हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई होप यू आर ऑल डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। यू आर वाचिंग रोहित पाल फिटनेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक वेज प्रोटीन सोर्स के बारे में। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, स्पेशली यार वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन अपना पूरा डेली बेसिस पे प्रोटीन पूरा करना बहुत मुश्किल होता है, और एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स आपको ऐड करने ही पड़ते हैं, वे प्रोटीन वगैरह। अगर आप ये सब यूज नहीं करोगे तो आपका जो टोटल प्रोटीन इंटेक है वो कहीं ना कहीं कम रह ही जाता है। तो आप ज्यादा पनीर नहीं खा सकते हो, फैट्स है उसमें, या कोई भी आप वेगन मील लेते हो हाई प्रोटीन, उसके साथ साथ आपको कार्ब्स भी बहुत ज्यादा मिलता है। तो मैं आज एक अच्छा वेज प्रोटीन सोर्स लेके आया हूँ। हाँ, उसमें भी कार्ब्स है, बट स्टिल काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, आपकी प्रोटीन आपका प्रोटीन पूरा करने में काफी हेल्प कर सकता है। तो जिस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है ये सत्तू, जो कि बहुत ज्यादा चीप है। 50 रुपीज का मेरे को हाफ के जी मिला है राजधानी का चना सत्तू, और इसका मैं आपको न्यूट्रिशनल फैक्ट बता देता हूँ। तो इसमें पर 100 ग्राम्स की सर्विंग में 20 ग्राम्स आपको प्रोटीन मिलेगा, 8 ग्राम्स आपको फैट्स मिलेगा, और डाइट्री फाइबर आपको 16 ग्राम्स मिलेगा, और साथ साथ आपको कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो 65 ग्राम्स मिलने वाला है। तो टोटल कैलरीज आपकी 411 कैलरीज हो गई है। और तो डाइट्री फाइबर की बात कर लेते हैं हम, तो 16 ग्राम्स आपको डाइट्री फाइबर मिल रहा है इसमें पर 100 ग्राम्स की सर्विंग में, और आपको आपकी टोटल डेली नीड आपकी 30 से 40 ग्राम्स तक होती है। तो 16 ग्राम्स फाइबर आपको इसी से मिल जाएगा, आप 2 सीटिंग में खा सकते हो 50 50 ग्राम्स। और बाकी का जो आपका फाइबर इंटेक है आप फ्रूट्स वेजीज वगैरह से आप ले सकते हो। और तो प्रोटीन और कार्ब्स की रेशियो ठीक है, हर एवरी 3 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपको 1 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, विच इज आई थिंक सही है, बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, और आप ले सकते हो इसको। आपको टोटल 20 ग्राम्स प्रोटीन ये दे देगा, और साथ ही साथ काफी अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको मिलने वाला है इससे। तो वेजिटेरियंस के लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और मैं आपको इसकी रेसिपी बता देता हूँ, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, आप बहुत ज्यादा सिंपल है, आप स्पाइसेस वगैरह ऐड करके काफी अच्छा ड्रिंक बना सकते हो। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे बनती है ड्रिंक। तो ये मैंने इस डब्बे में सत्तू डाला हुआ है, और ये है अपना स्कूप, और ये है वेइंग स्केल। तो 14 ग्राम्स स्कूप का वेट है, और टोटल ये 50 ग्राम्स क्वांटिटी है, और ये मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, ब्लैक पेपर, रेड पेपर, सॉल्ट, और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर। सो दैट इज इट। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, थोड़ा स्पाइसी है रेड पेपर वगैरह डालकर। तो आप ले सकते हो, बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का और कार्ब्स का। तो आप प्री एज अ प्री वर्कआउट भी ले सकते हो 50 ग्राम्स 1 या 1.5 घंटे पहले वर्कआउट से, बाकी पोस्ट वर्कआउट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और दिन में कभी भी ले सकते हो। तो आप टोटल 100 ग्राम्स ऑफ सत्तू ले सकते हो, जिसमें आपको 20 ग्राम्स प्रोटीन मिलने वाला है, बाकी कार्ब्स और फैट भी मिलेगा बट प्रोटीन भी मिलेगा। तो आप ये अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, काफ़ी अच्छा सोर्स है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर कर देना। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करो, बहुत जल्दी मिलेंगे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।